बड़ी कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे सर्वाइवल सीरीज में। ये सर्वाइवल सीरीज का पार्ट टू है। तो आप मेरा हाउस देख सकते हैं, गूगल स्टोन का हाउस। अभी तो छोटा ही बनाया है, इसको हम और बड़ा भी बनाएंगे, स्टोन ब्रिक्स का भी बनाएंगे, पर अभी इस अभी के लिए ये अच्छा है। तो मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ, यह आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये है हम जावा एडिशन, वो भी एंड्रॉयड में। अगर आपको भी डाउनलोड करना है ये तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा कि जावा एडिशन कैसे डाउनलोड करें। ये पूरा जावा एडिशन यूआई है, मतलब पूरा जावा एडिशन नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में हम टेररिजिंग करने वाले विलेज को, हमारे पास एक विलेज है सामने की तरफ, तो वहाँ पर हम टेररिज करने वाले विलेज को, फूड वहाँ पर जितने भी चीज़ें उन सब को हम लूटने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से उस विलेज की तरफ चल लेते हैं, वो सामने की तरफ है, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो गाइस जान जाए पर आयरन ना जाए, तो आयरन जरूर लेंगे हम। हमें आयरन बीच में मिल चुका है, कोल नहीं लेंगे, कोल हमारे पास बहुत सारा है। तो अब डायरेक्ट छलांग मारने वाला हूँ मैं और अंडर वाटर जाने वाला हूँ विलेज में। तो गाइस हम विलेज में आ चुके हैं अंडर वाटर तैर के, और ये दो चार विलेज हमें दिख रहे हैं बस। तो गाइस मुझे लगता है कि मेन विलेज ऊपर की तरफ है, हमें ऊपर की तरफ जाना होगा और हमें वो चेस्ट वाले हाउस ढूंढने पड़ेंगे और हमें खेत ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि खेत में से हमें खाने की चीज़ें मिलेगी और चेस्ट वाले हाउस में से हमें चेस्ट में डायमंड भी मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि सेडल, उसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी घोड़े को टेम करने के लिए, किसी भी लामा को जो हमने रख रखा है उसको हम टेम कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ विलेज में। तो गाइस हम सबसे पहले हमें चेस्ट वाला हाउसेस ढूंढने पड़ेंगे, तो इसमें तो चेस्ट वाला हाउस है नहीं, हम इससे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, इसके पास कुछ नहीं है, सॉरी हमारे पास कुछ नहीं है अभी। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम सबसे पहले खाने की चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी भूख अभी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये हम चारा कलेक्ट कर लेते हैं, इससे हम ब्रेड बना लेंगे और खा लेंगे। तो गाइस मैंने सारे ये कलेक्ट कर लिए हैं, इसे इन सारे हाउसेस में हम चेस्ट को ढूंढते हैं कि इनमें क्या मिलता है, पर इस घर में चेस्ट नहीं मिलने वाली। तो अगले हाउस में चलते हैं। तो गाइस इस हाउस में भी कटर है जो हमें नहीं चाहिए, हम कटर खुद बना लेंगे। इस हाउस में भी वो कटर ही मिलेगा मेरे को लग रहा है। तो हाँ गाइस इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला हमें चेस्ट, हमें दूसरा हाउस ढूंढने पड़ेंगे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और खाना कलेक्ट कर लेते क्योंकि इतने से खाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें वो ज़्यादा खाना चाहिए होगा क्योंकि ये थोड़े दिन ही चलेगा। जल्दी से ये सारे खेत खाली कर देंगे हम, जितने भी गेहूँ आलू गाजर जितने भी है सारे खेत को, पूरे विलेज को लूट लेंगे आज हम। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस जितनी भी है मैंने पूरी कलेक्ट कर ली है, तो अब हमें चेस्ट ढूंढनी पड़ेगी इस विलेज में। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर हमें चेस्ट मिल सकती है, अगर मिलनी होती तो कब की मिल जाती। तो गाइस फिर भी ट्राई कर लेते कि हमें मिल जाए कहीं चेस्ट। तो इस घर में मुझे लग रहा है कि ऊपर शायद तक होती है चेस्ट, तो ऊपर तो नहीं है चेस्ट, तो अगले घर में चलते हैं। तो गाइस मैं नीचे से नहीं जाने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट छलांग मारने वाला हूँ इस घर पे और इधर से डायरेक्ट नीचे। तो गाइस मुझे लगता है इस घर में चेस्ट होगी, तो हाँ इसमें चेस्ट है वो, पर इसमें बस ब्रेड ही ज़रूरत की चीज़ें है और जूते हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास आयरन है। तो गाइस अब दूसरे हाउसेस में ढूंढते हैं कि हमें चेस्ट मिलती है कि नहीं। तो गाइस मुझे कहीं भी चेस्ट नहीं मिल रही है, पर मुझे आलू मिल चुके हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं फर्नेस में डालने के बाद, तो जल्दी से इनको भी हम तोड़ लेते हैं। तो गाइस ये काम भी ख़त्म हो चुका है, अब हम इस आलू से ट्रेड कर सकते हैं विलेजर से और उससे एमराल्ड ले सकते हैं। जल्दी से हम विलेजर के पास चलते हैं। तो गाइस मैं इधर आ चुका हूँ विलेजर के पास और अब जल्दी से इससे ट्रेड कर लेते हैं एमराल्ड। तो गाइस मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसलिए मैं कैरेट खा लेता हूँ। तो गाइस मुझे और भी ज़्यादा पोटैटो चाहिए होंगे क्योंकि मैंने सारे पोटैटो एमराल्ड के बदले बेच दिए थे, तो जल्दी से सारे पोटैटो हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने सारे पोटैटो कलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं हे बेल कलेक्ट करने जाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर हे बेल के पूरे पूरे बंडल पड़े हैं, तो हम बहुत सारे ले जा लेंगे, 10 से 20 30, जिससे हम बहुत सारे ब्रेड बना सकते हैं। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो अभी हम सो जाते हैं। फिर हमारे पास जो ज़्यादा सामान है उसको हमें घर पर रख के आना पड़ेगा क्योंकि हमारे पूरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, तो अभी इस विलेजर को उठा के इधर ही सो जाते हैं। तो गाइस सुबह हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ, हमारी इन्वेंट्री फुल है, हमारा सामान हमें रखना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी से अपने घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम किधर से आए थे, तो मुझे वो अभी ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मुझे पता चल चुका है कि हम किधर से आए थे, तो अब जल्दी से अंडर वाटर निकल लेते हैं घर की तरफ। तो गाइस हम घर पर आ चुके हैं, हमें फिर से विलेज जाना पड़ेगा, हम पूरा ये सामान रख के फिर से हम विलेज में जाएंगे क्योंकि अभी हमें हे बेल चाहिए जिससे हम ब्रेड बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो गाइस अभी जितना भी जो सामान है हमारी इन्वेंट्री में पूरा चेस्ट में रख देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरी इन्वेंट्री पूरी तरह खाली हो चुकी है। अब हम जितना चाहे उतना सामान फिर से ला सकते हैं उस विलेज से जो भी हमें चाहिए। तो अब जल्दी से गाइस विलेज की तरफ फिर से चल लेते हैं। तो गाइस हम फिर से विलेज में आ चुके हैं और अभी हमें हेई बेल लेने हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड बना सकते हैं। तो गाइस फटाफट से सारे कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस वहाँ दोनों जगह से मैंने ये सारे ले लिए थे। अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत जो है वो मैं अभी ले जाता हूँ, बाकी मैं बाद में ले जाऊँगा क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है फिर से हम विलेज में आएंगे। तो गाइस मैंने पूरे विलेज को लूट लिया है तो अब जल्दी से घर को चलते हैं। तो गाइस हम फिर से घर आ चुके हैं और हमने पूरे विलेज को लूट लिया, वहाँ पर जितना भी सामान था सब लेकर आ चुके थे, पर बस ये है बेल बची थी जिसको अभी लाए हैं। इसके लिए इसको रखने के लिए हमें अलग से चेस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी चेस्ट फुल हो चुकी है। तो हमें प्लैंक्स चाहिए होंगे जो मेरे पास पड़े हैं। देखो मेरे पास दो प्लैंक्स बनाए जिससे दो चेस्ट बना सकते हैं, बिग चेस्ट बना सकते हैं। तो गाइस जल्दी से दोनों चेस्ट बनाकर हम उसमें अपना सामान रख देते हैं। तो गाइस दोनों चेस्ट बना ली है पर इसके लिए हमें नीचे गूगल स्टोन रखना पड़ेंगे। तो इसके ऊपर अब हम चेस्ट रख सकते हैं और गलती से इधर लग चुकी है, इसको अभी हमें इसके ऊपर रखना पड़ेगा जिससे ये बिग चेस्ट बन जाएगी, दोनों एक साथ जुड़ जाएगी जिससे बिग चेस्ट बन जाएगी। भाई जल्दी से अपना सामान अब हम इसमें रख देते हैं। मैं जितना भी अब जो बचा हुआ सामान था जो विलेज में मिला था सारे इधर रख देते जिससे हमारी इन्वेंट्री खाली हो जाए। और गाइस हाँ हमें वो पोटैटो फर्नेस में रखने पड़ेंगे जो हमारे बाद में खाने में काम आ सकते हैं। इसको हम फर्नेस में पका के खा लेंगे तो हमारी हेल्थ ज़्यादा बढ़ेगी। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 10 कमेंट तो करने हैं जिससे मैं अगला वीडियो जावा एडिशन के ऊपर ला सकूं। और गाइस प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाओ गाइस जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोड्स के ऊपर वीडियो ला सकूं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।